हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका SKS क्लासेस में स्वागत है। आपको मैंने कल एक नया टॉपिक शुरू करवाया था, डिसीजन थ्योरी। आपका ORQT जो पेपर है उसे संबंधित हमारा ये महत्वपूर्ण टॉपिक था, निर्णय सिद्धांत। और आपको मेरे कल के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि निर्णय क्या होता है, निर्णय कैसे लेना है, निर्णय प्रक्रिया क्या होगी, निर्णय में आने वाले तकनीकी जो शब्द हैं उनको हम किस रूप में लेंगे, उनका क्या अर्थ है, और निर्णय परिस्थितियाँ कौन कौन सी होंगी, ये आपको मैंने कल विस्तृत रूप से समझाया था। निर्णय परिस्थितियों की जहाँ बात आती है, मैंने आपको तीन परिस्थितियाँ बताई थी। पूर्ण सूचना की स्थिति में निर्णय, अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय और जोखिम की स्थिति में निर्णय। अर्थात हमारे सामने तीन कंडीशन आ सकती हैं, या तो हमारे पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन हो, या इन्फॉर्मेशन में हम अनसर्टेन हों, या इन्फॉर्मेशन हमारे पास तो हैं लेकिन उसमें डिसीजन लेने में रिस्क हों। ऐसी कंडीशंस में जब हम निर्णय लेते हैं तो हमारे क्या मेथड होंगे, ये हमें पढ़ना है। तो पूर्ण सूचना की स्थिति में आपने पढ़ा था QT में, जो भी टॉपिक आपने पढ़े हैं, चाहे वो रेखीय प्रोग्रामन का हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन मॉडल हो, चाहे असाइनमेंट प्रॉब्लम्स हो, चाहे हम कहें गेम थ्योरी हो, चाहे इनपुट आउटपुट एनालिसिस हो, या हम कह सकते हैं कि कॉस्टिंग की बात करें तो हमारे प्रोसेस कॉस्टिंग हो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो, इन सब में हमने पूर्ण सूचना की स्थिति में निर्णय लिए थे। आज का हमारा टॉपिक है वो है अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय कैसे लें, अर्थात डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। और MCOM में ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो परीक्षा में अक्सर आपसे पूछते हैं। तो डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, इसमें चार क्राइटेरिया ऐसे हैं जो आपको समझने हैं। पहला है अधिकतम में से अधिकतम कसौटी, अर्थात मैक्सिमम क्राइटेरिया। दूसरा है न्यूनतम में से अधिकतम कसौटी, मैक्स मिन क्राइटेरिया। तीसरा है अधिकतम में से न्यूनतम विकल्प त्याग लागत कसौटी, मिनी मैक्स रीग्रेट क्राइटेरिया। और चौथा है हरविज का आशावादी गुणांक कसौटी। तो ये चार कसौटियां हैं, चार क्राइटेरिया हैं जिनको हमें अच्छे तरीके से आज के लेक्चर में समझना है। तो पहले तो हमें समझना है कि अनिश्चितता क्या है। तो स्टूडेंट्स, निर्णय की स्थिति में निर्णयकर्ता के पास निर्णय से संबंधित कोई सूचना नहीं होती है, तथा वह है घटनाओं को प्रायिकता भी प्रदान नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में भावी घटना का कोई पूर्व इतिहास भी हमारे पास नहीं होता है। जैसे किसी नई वस्तु की बाजार में मांग का अनुमान लगाना, कोई नई उत्पादन प्रक्रिया अपनाना, ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ हमारे व्यापार में आती हैं तो जिनका हमारे पास कोई पूर्वाभास नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में निर्णयकर्ता हम एक तरीके से अनिश्चितता की स्थिति में होता है। तो जब भी निर्णयकर्ता अनिश्चितता की स्थिति में होता है तो उसे निम्न निर्णय कसौटियों का प्रयोग करना होता है जो मैंने आपके सामने रखी हैं। पहली है अधिकतम में से अधिकतम कसौटी, मैक्स क्राइटेरिया। ये कसौटी एक तरीके से आशावादी गुणांक पर आधारित है, हम यहाँ पर आशावादी रहते हैं। इस कसौटी के अंतर्गत निर्णयकर्ता सर्वप्रथम प्रत्येक विकल्प के लिए अधिकतम प्राप्तियों को चुनता है, अर्थात जो भी ऑप्शन आपके सामने है, जो अल्टरनेटिव है, उसमें से आपको अधिकतम प्राप्तियों का चयन करना है। और उसके पश्चात जितनी भी अधिकतम प्राप्तियां आई है उन अधिकतम में से अधिकतम का चयन जिस ऑप्शन में आ रहा है उस ऑप्शन का वो डिसीजन में उपयोग करेगा। दूसरा है न्यूनतम में से अधिकतम कसौटी, मैक्सिमिन क्राइटेरिया। यह कसौटी निराशावादीता से प्रेरित है। इस कसौटी के अनुसार निर्णयकर्ता सर्वप्रथम प्रत्येक विकल्प से न्यूनतम प्राप्ति का चुनाव करता है, अर्थात हर ऑप्शन में न्यूनतम प्राप्तियां क्या है पहले हम उसका चुनाव करते हैं, और उसके पश्चात इन न्यूनतम प्राप्तियों में से उस विकल्प का चुनाव करते हैं जहां सर्वाधिक प्राप्ति हो। तो हम इसको निराशावादी कसौटी के नाम जानते हैं। तो पहली है आशावादी, दूसरी है निराशावादी। मैं इन दोनों कसौटियों को एक साधारण से हमारे एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति सुबह सुबह सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने जाता है। आप देखते हैं कि ताज़ा सब्जियाँ आपको मिलेंगी, सुबह 8 बजे जब सब्जी मंडी में पहुँचेंगे तो आपको बिल्कुल ताज़ा सब्जियाँ मिलेंगी। आप देखें कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं वो ताज़ा सब्जियों में से भी अच्छी सब्जियां छांटते हैं, चाहे विक्रेता उसका भाव कुछ भी लगाए वो अच्छे में से अच्छी छांट रहे हैं। तो हम कहेंगे कि वो आशावादी है, अर्थात उनको श्रेष्ठ डाइट लेनी है, श्रेष्ठ सब्जी उनको लेनी है।
तो अच्छे में से अच्छा छांट रहे हो, तो हम वो आशावादी गुणांक है। आप देखा होगा उसी सब्जी मंडी में शाम को 6 बजे जब सब्जियां सारी बिक चुकी हैं, कुछ व्यक्ति हुआ उस समय भी सब्जी लेने पहुंचेंगे, वहां सब्जियां छंट चुकी हैं। अब उन छंटी हुई सब्जियों में भी वो अच्छी सब्जी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उनमें भी वो सब्जी छांट लेंगे न्यूनतम में से अधिकतम, अर्थात खराब में से श्रेष्ठ ढूंढना। तो ये कसौटी निराशावादी गुणांक पर आधारित है, अर्थात न्यूनतम में से अधिकतम, अर्थात खराब में से श्रेष्ठ ढूंढने की कोशिश करना, तो ये कहलाती है निराशावादी गुणांक। तो कुछ व्यक्ति आपको आशावादी दृष्टिकोण के मिलेंगे, कुछ व्यक्ति आपको निराशावादी दृष्टिकोण के भी मिलेंगे। तीसरी कसौटी है अधिकतम में से न्यूनतम, विकल्प त्याग लागत कसौटी। इस कसौटी के अंतर्गत सर्वप्रथम श्रेष्ठ विकल्प को न चुनने के कारण हुई सर्वाधिक विकल्प त्याग लागत का चुनाव किया जाता है, और जहां पर विकल्प त्याग की लागत की हम बात करें तो विकल्प त्याग लागत जहां सबसे कम आएगी हम वहां पर निर्णय लेंगे। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमने जो लागतें निकाली हैं विकल्प त्याग की लागत के तरीके से लॉस है, तो हम अधिकतम लॉस का चयन करेंगे, अधिकतम में अधिकतम, हर विकल्प में अधिकतम लॉस क्या है, और हम चयन उस विकल्प का करेंगे जहां पर लॉस न्यूनतम हो, ये ध्यान रखना है। तो अब लॉस निकालें कैसे, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और रिग्रेट पे ऑफ आपको बनाने पड़ेंगे। इसके लिए हम क्या काम करेंगे कि प्रत्येक ऑप्शन का मैक्सिमम पे ऑफ देख लो आप, मैक्सिमम पे ऑफ ये मिलेंगे आपको, और उसमें से उस अल्टरनेटिव के जो पे ऑफ हैं वो लेस कर दीजिए। तो ऐसा करने से हमें विकल्प त्याग की लागत मिल जाएगी, और ये जो जब लागतें आएंगी तो आपको विकल्प त्याग की लागत छांटने के बाद अधिकतम लागत छांट लेनी है, हर ऑप्शन की अधिकतम लागत क्या ही छांट लीजिए, और डिसीजन वहां लेना है जहां न्यूनतम लागत आती हो, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा है हरवीज का आशावादी गुणांक की कसौटी। डियर स्टूडेंट्स, हरवीज जो सांख्यिक हैं उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति न तो आशावादी होता है और न ही वह निराशावादी होता है। तो इन्होंने एक गुणांक दे दिया, अर्थात हर व्यक्ति अपना मूल्यांकन करता है कि मैं कितना आशावादी हूं, तो हमें आशावादी गुणांक यूज करना है। मालूम मैं कह दूं कि मैं 80% आशावादी हूं, इसका मतलब 20% निराशावादी हूं, मैं 90% आशावादी हूं, इसका मतलब 10% निराशावादी हूं, और मैं 60% आशावादी हूं, इसका मतलब मैं 40% निराशावादी हूं। तो हरवीज कहते हैं कि एक आशावादी गुणांक हम आपको देंगे, ठीक है। अब उस आशावादी गुणांक के हिसाब से हम क्या काम करेंगे, प्रत्येक जो विकल्प है उसकी अधिकतम प्राप्ति को आशावादी गुणांक से गुणा कर दीजिए, और प्रत्येक विकल्प की न्यूनतम प्राप्ति को 1 माइनस आशावादी गुणांक से गुणा कर दीजिए। अब जो योग आएगा वो योग कर लीजिए हर ऑप्शन का, जिस विकल्प का मान सर्वाधिक हो वहां चयन करेंगे, अर्थात हर ऑप्शन के इस फॉर्मूले से आप मान निकाल लीजिए, और जहां मान सबसे ज्यादा आए हम उस विकल्प का निर्णय लेने में चयन करेंगे, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये 4 कसौटियां मैंने आपको बताई, अब हम इनको एक क्वेश्चन के द्वारा समझना चाहते हैं। एक निर्णय समस्या से संबंधित प्राप्ति तालिका निम्न है, इवेंट्स दे रखे हैं आपको E1, E2 और E3, और अल्टरनेटिव दे रखे हैं A1, A2 और A3, ये हमें पे ऑफ दे रखे हैं। अगर E1 घटना घटती है, A1 ऑप्शन अपने तो 2000 रुपये का प्रॉफिट है, अगर E3 घटना घट जाए और A3 ऑप्शन आप यूज करें तो प्रॉफिट 1100 रुपये का है, अर्थात हमें प्रत्येक इवेंट और अल्टरनेटिव के अनुसार हमें पे ऑफ दे रखे हैं। प्रबंधकों का निर्णय क्या होगा यदि वह निम्न का प्रयोग करता है, ये 4 कसौटियां मैंने यहाँ रखी हैं, अधिकतम से अधिकतम कसौटी, न्यूनतम से अधिकतम कसौटी, अधिकतम से न्यूनतम विकल्प त्याग लागत कसौटी, और हरवीज का गुणांक आशावादी गुणांक, यदि आशावादी गुणांक 0.7 हो तो आपका निर्णय कैसा होगा। इन 4 परिस्थितियां जो मैंने आपको बताई अनिश्चितता की, उसमें निर्णय लेना है। तो निर्णय कैसे लें ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन को मैंने इस तालिका में उतार दिया है, हमारे पे ऑफ 3 थे, A1, A2 और A3 अल्टरनेटिव की, और इवेंट्स भी 3 थी, E1, E2 और E3, और ये प्रॉफिट जो दे रखे थे क्वेश्चन मैंने यहाँ आपके सामने उतार दिए हैं। अब हम अलग अलग 4 कसौटियों से मान हल करना चाहते हैं। सबसे पहले स्थिति आती है हमारे सामने, नंबर 1 इज, पहली कसौटी है हमारी अधिकतम से अधिकतम कसौटी, जिसको मैंने नाम दिया है मैक्सिमैक्स क्राइटेरिया। हमें इसमें डिसीजन लेना है। हमारी अधिकतम में से अधिकतम कसौटी मैंने आपको बताया कि आशावादी गुणांक पर आधारित है, और आपको क्या काम करना है कि प्रत्येक ऑप्शन के अनुसार चलना है। आपको प्रत्येक ऑप्शन में अधिकतम लाभ क्या हो देख लीजिए। देखिए, पहले ऑप्शन में अधिकतम लाभ हमारे पास है 2500 रुपये, तो मैक्सिमम पे ऑफ मैंने लिख दिया
2500 रुपये। अल्टरनेटिव टू में देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, तो यह 2800 रुपये, तो मैंने लिख दिया 2800 रुपये। और A3 ऑप्शन में सबसे अधिक लाभ आप देख रहे हैं 1600 रुपये, तो हमने लिख दिया 1600 रुपये। अब हमारा निर्णय क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था कि इस गुणांक में, आशावादी गुणांक में, इस कसौटी के अंदर अधिकतम में से अधिकतम का चयन करना है। तो देखिए हमने अधिकतम चुन लिए, इसका अधिकतम, इसका अधिकतम, इसका अधिकतम, और अधिकतम में से अधिकतम कौन सा है आप देख रहे हैं 2800 है। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि हमारे लाभ ये थे 2500, 2800 और 1600। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको जो चयन करना है वह चयन हम 2800 पे करेंगे। तो हमारा डिसीजन क्या होगा वो मैं लिख देता हूं। तो तीनों लाभों में से 2800 सबसे ज्यादा है, तो निर्णयकर्ता A2 विकल्प का चयन करेगा क्योंकि यहां लाभ सर्वाधिक है। तो ये तो हमारा पहला मेथड हो गया, नंबर टू। दूसरा मेथड हमारा मैक्सी मिन, मैक्सी मिन क्राइटेरिया, अर्थात न्यूनतम में से अधिकतम। न्यूनतम में से अधिकतम में हम क्या काम करेंगे, हमें हर ऑप्शन का न्यूनतम मान छांटना है। तो देखिए अल्टरनेटिव ए का न्यूनतम मान आप देख रहे हैं ये है 1500 रुपये, 1500। A2 ऑप्शन का न्यूनतम मान देखिए ये है 1200, और A3 ऑप्शन का न्यूनतम मान आपने देखा ये है 1100। हमने न्यूनतम मान छांट लिया, मैं यहां लिख रहा हूं आपके सामने 1500, 1200 और 1100। हमारा मेथड है न्यूनतम में से अधिकतम, अर्थात ये न्यूनतम है। अब इनमें अधिकतम कौन सा है, इनमें अधिकतम आप देख रहे हैं 1500 है। तो निर्णयकर्ता हमारा A1 ऑप्शन का चयन करेगा। मैं लिख दिया है निर्णयकर्ता A1 विकल्प का चयन करेगा क्योंकि यहां न्यूनतम में से अधिकतम लाभ A1 विकल्प में है। तो ये हमारा डिसीजन हो जाएगा। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर थ्री में। पॉइंट नंबर थ्री है मिनीमैक्स रीग्रेड, मिनीमैक्स रीग्रेड क्राइटेरिया। सो डियर स्टूडेंट्स, मिनिमम मिनीमैक्स रीग्रेड क्राइटेरिया सवाल सब सोल्व करें तो सबसे पहले आपको अपॉर्चुनिटी लॉस निकालने होंगे। और ये मैंने आपको बताया था कि हर आपके ये जो इवेंट दे रखी हैं हर रो में देख लीजिए आप कि सबसे बड़ा मान क्या है, 2800 है, और इस 2800 में से सारे ऑप्शन घटा दीजिए आप। तो आप देख रहे हैं 2800 आईएस था, 2800 में से आपने 2000 घटा दिया तो बच गया 800। 2800 में से 2800 घटा दो आप तो 0, और 2800 में से आप 1600 घटा दो तो बच गए 1200। तो ये हमारा विकल्प त्याग की लागत आ गई। दूसरे में आ जाओ, सबसे बड़ी अमाउंट देखिए क्या है, 2500 है, तो 2500 में से 2500 घटा दिया 0, 2500 में से 1200 घटा दो 1300 बच गई, 2500 में से 1500 घटा दो तो 1000 बच गई। इस E3 में देखिए सबसे बड़ा लाभ क्या है, 1800 है, तो अब 1800 में से तीनों घटाने आपको अलग अलग, 1800 में 1500 गया 300, 1800 में 1800 गया 0, 1800 में से 1100 गया 700। तो इस तरीके से हमने ये लॉस निकाल ली। अब ये लॉस निकालने के बाद आपको क्या काम करना है कि मैक्सिमम लॉस छांटना है। तो A1 ऑप्शन आपने देखा, A1 ऑप्शन ऑप्शन मैक्सिमम लॉस है 800 रुपये, मैक्सिमम लॉस 800 है। A2 में देखिए मैक्सिमम लॉस क्या है, 1300 है, और A3 का मैक्सिमम लॉस देखिए आप क्या है, 1200 है। ये मैक्सिमम लॉस है, निर्णयकर्ता मैक्सिमम लॉस नहीं उठाएगा, जहां लॉस सबसे कम है वहां डिसीजन लेगा। तो ये कौन से में है, A1 में, तो हमारा आंसर A1 होगा। तो मैं लिख दिया है पहला लॉस 800, फिर 1300, फिर 1200। निर्णयकर्ता A1 विकल्प चुनेगा क्योंकि यहां लॉस न्यूनतम है। तो इस तरीके से हम थर्ड मेथड से सवाल सोल्व करके दिखा सकते हैं। चौथा है हरविज। देखिए हरविज में हम काम क्या काम करें, आपको एच का मान निकालना है हर स्थिति में, एच अल्टरनेटिव वाइज। तो पहले हम A1 की बात करते हैं, A1 में अधिकतम लाभ क्या है, 2500, और हरविज के गुणांक से गुणा कर दो इसको, हरविज गुणांक है 0.7 प्लस न्यूनतम है ए ऑप्शन में 1500, और 1 माइनस 0.7 तो 0.3, इसको हम सोल्व करेंगे। दूसरे में आ जाइए आप, ये तो था हमारा हरविज का गुणांक A1 के लिए। अब A2 के लिए आ जाओ इस प्रकार से, A2 ऑप्शन में सबसे अधिक मान है 2800 गुणा 0.7, हरविज गुणांक 0.7 है,
न्यूनतम है 1200, तो 1200 गुना 0.3 ये ऐसे निकाल लेंगे। तीसरी स्थिति मान दो ए थ्री का ऑप्शन, ए थ्री में अधिकतम है 1600 इंटू 0.7, न्यूनतम है 1100 इंटू 0.3, आप इनको सोल्व कर लीजिए। तो ए वन ऑप्शन का मान आया हमारा 2200 रुपये, ए टू का आया 2320 रुपये और इसका आया 1450 रुपये। तो मैंने आपको बताया कि जहाँ हरबीज का मान सबसे ज़्यादा हो निर्णायक वह निर्णय करेगा, तो ये सबसे ज़्यादा मान कौन से में है, ए टू में है। तो आपका डिसीजन ले दीजिए आप, निर्णायक ए टू विकल्प का चयन करेगा, क्योंकि हरविज का मान इसमें सर्वाधिक है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, हम अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय के सवाल सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ ये ध्यान ये रखना है कि जब भी आप ये तालिका बनाएं तो कॉलम्स में आपको अल्टरनेटिव लेने हैं और जो रो हैं इनमें आपको इवेंट्स लेनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, फिर आप किसी भी प्रकार का अनसर्टेनिटी का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा सकते हैं। तो सॉल्व करना बड़ा सरल है, आपको कोई सूत्र नहीं लगाना है, बहुत आसानी से हम ऐसे सवालों को सॉल्व करके दिखा सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आया तो इसको आप लाइक कीजिए, वो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरा चैनल एस के एस ई क्लासेस, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके सामने, एस के एस ई क्लासेस नाम से है। यदि अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि प्रतिदिन आपके पास नए नए वीडियो लेक्चर्स आते रहें। लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।